हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रियम एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या कहती है। पहले हमारे बचपन में बहुत कंप्लेंट्स होते थे, इतना पढ़ाई तो कर लेते हैं मगर जॉब नहीं मिलती, जो पढ़ाई करते हैं वो बहुत इररिलेवेंट होते हैं, वो हमारे जॉब से मैच नहीं करता और बहुत ज़्यादा हमारा एजुकेशन सिस्टम एग्ज़ाम सेंट्रिक था। ये पॉलिसी 1986 में राजीव गांधी ने बनाई थी। अब जुलाई 29, 2020 यूनियन कैबिनेट ने इसको कुछ चेंज किया है। तो आइए पहले हम लोग स्कूल के बारे में जानते हैं, फिर कॉलेज के बारे में। स्कूल में अब सिस्टम हो गया है 5+3+3+4। अब ये क्या है? 5 है हमारा 3 प्री प्राइमरी प्लस क्लास 1+2, और 3 है प्रिपरेटरी स्टेज मतलब क्लास 3-5। फिर आता है हमारा मिडिल स्टेज क्लास 6-8। फिर आता है सेकेंडरी स्टेज क्लास 9-12। अब क्या है, मल्टी स्ट्रीम हो गया है। देयर इज नो साइंस, नो कॉमर्स, नो आर्ट्स। स्टूडेंट कुछ भी चूज कर सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अकाउंट्स की स्टूडेंट हूँ और मुझे फैशन डिजाइनिंग भी बहुत पसंद है, तो मैं उसके साथ अपने दोनों सब्जेक्ट को कंसिडर करके आगे बढ़ा सकती हूँ। डायल्यूटेड बोर्ड। डायल्यूटेड बोर्ड में क्या होता है, पहले हमारे बोर्ड्स के एग्जाम सिर्फ एक ही बार होते थे। अब क्या है, इसको दो भाग में बांटने की कोशिश की जाएगी। पहला होगा सब्जेक्टिव, दूसरा होगा ऑब्जेक्टिव। पहले जो हमारे माइंडसेट होते थे रट्टा मार, तो अब वो चेंज किया जा रहा है। अब क्लास 10 में बच्चों का नॉलेज टेस्ट किया जाएगा। एक्चुअली ये बहुत सही है, क्योंकि जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमारे नॉलेज को ही टेस्ट किया जाता है। उसके बाद आता है मल्टीलिंगुअल। इसमें क्या होता है, हमारी मातृभाषा पर बहुत दबाव दिया जाता है। 8 ऐसे लैंग्वेजेस चूज किए गए हैं जिनको हम लोग स्कूल में एज अ रीजनल लैंग्वेज रखेंगे। कोशिश की जा रही है कि ये क्लास 5 तक रहे। अपनी मातृभाषा को आगे बढ़ाने में कोई बुराई नहीं है, अगर आगे भी आपको अपनी रीजनल लैंग्वेज चूज करने को कहा जाए तो ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद आता है बैगलेस डे। बैगलेस डे में क्या होता है, क्लास 6 के बाद बच्चे अपना बिना बैग लिए एक सेंटर में जाते हैं जहाँ पे उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। अगर कोई इंसान प्लम्बर है और वो उस सेंटर में रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, तो बच्चे 10 दिन जाकर अपना बिना बैग लिए उससे उसकी स्किल सीख सकते हैं। अब बात करते हैं कॉलेज की। कॉलेज में क्या हुआ है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, अब वो कॉलेज लेवल का सारा एंट्रेंस एग्ज़ाम लेंगी। उसके बाद इसको 3 भाग में बांटा गया है। एक है 4-ईयर बैचलर। क्या है ये 4-ईयर बैचलर? 4-ईयर बैचलर में अगर मैंने 1 साल सिर्फ अपनी बैचलर डिग्री की है तो मुझे सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 1 साल करने के बाद सपोज़ कीजिए कोई डॉक्टरी का पढ़ाई कर रहा है, उसने 1 साल अपना कोर्स किया, उसके बाद उसे पैसे की ज़रूरत हो गई, तो उसने सोचा कि मैं 1 साल जॉब कर लेता हूँ, कुछ पैसे जुगाड़ कर लूँगा, उसके बाद वापस से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करूँगा। तो वो 1 साल का प्री डिफाइंड गैप ले सकता है। उसे पहले से बताना होगा कि वो 1 साल का गैप ले रहा है। और अगर कोई 2 साल कंप्लीट कर लेता है तो उसे डिप्लोमा की डिग्री मिल जाएगी। 3 साल कंप्लीट करने के बाद उसे ग्रेजुएशन मिल जाएगा। उसके बाद उसका प्लेसमेंट भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हम कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर 4th ईयर जो होते हैं वो ऑप्शनल है। अगर आप वो लेते हैं तो आपको रिसर्च की डिग्री मिल जाएगी। पहले PhD करने के लिए हम लोगों को BCom करना पड़ता था, फिर MCom करना पड़ता था, फिर MPhil, फिर PhD। अब क्या होगा, ग्रेजुएशन के बाद आप डायरेक्ट भी रिसर्च को चूज़ कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं नो एफिलिएशन के बारे में। नो एफिलिएशन में क्या हुआ है, कॉलेज को ग्रेडेड सिस्टम में बांट दिया गया है। जो बहुत अच्छे कॉलेज होंगे A+ रैंक वाले, उनको हक दिया जाएगा कि वो प्लेसमेंट कर सकते हैं 3rd ईयर ऑफ ग्रेजुएशन के बाद ही। फिर जो B-ग्रेडेड कॉलेज होंगे उनको 10 से 15 साल का अवधि दिया जाएगा, जिसमें उनको बोला जाएगा कि आप अपने कॉलेज को ए ग्रेडेड करो। ए को बोला जाएगा कि आप उसको A+ करो। अगर वो नहीं कर पाया तो उसको फेज आउट कर दिया जाएगा इन सालों में।
उसकी अफिलिएशन जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी। अब बात करते हैं फ़ी कैप के बारे में। फ़ी कैप क्या है कि कुछ प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं जो बहुत ज़्यादा रुपया चार्ज करते हैं अपने स्टूडेंट से। अब क्या होगा कि अब एक फ़िक्स्ड फीस रख दिया जाएगा जिसके ऊपर कोई भी कॉलेज अपने बच्चों से चार्ज नहीं कर सकता। उसके बाद आता है गोइंग ग्लोकल। क्या है ये गोइंग ग्लोकल? इसमें क्या होता है, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन होता है। पहले क्या होता था कि हमें बाहर जाना पड़ता था पढ़ने के लिए, इंडिया की पढ़ाई और यूएस की पढ़ाई अलग होती थी। फिर बनाया गया नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। इसमें क्या होगा कि इसमें सब लाइन के बच्चे, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, अपना रिसर्च का पढ़ाई कर सकते हैं। ये क्या करता है, ये उनको पैसे प्रोवाइड करता है। और इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन में क्या होता है, फॉरेन के लोग यहाँ पर आकर पढ़ाई करते हैं, जिसके वजह से यहाँ पे टूरिज़्म भी बढ़ता है और फॉरेन के लोगों को यहाँ पढ़ने में तकलीफ भी नहीं होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय।